आज हम मम्स के बारे में बात करेंगे। मम्स क्या है? तो मम्स जो है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसके होने से जो पर्सनस है उसमें बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या फिर ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, है ना, जैसे कि बुखार आना, ये सब जो है बुखार आना, शरीर में दर्द, सर में दर्द, ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मम्स की वजह से होने लगते हैं। जो मम्स है ये बहुत सारे पॉपुलेशंस को अफेक्ट करता है, जैसे कि 100 से 1000 पर 1 लाख जो पॉपुलेशंस है मम्स की वजह से अफेक्टेड होता है। ये ज़्यादातर जो 5 से 9 साल के जो बच्चे रहते हैं उसको ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जो स्कूलर बच्चे होते हैं उनको ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशंस, मम्स इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस बिलोंग टू द जीनस रूबेला वायरस फैमिली। मतलब जो ये मम्स जो है ये आरएनए वायरस है ना, इसके द्वारा ही जो जो मम्स है वो फैलता है। ये जीनस वायरस फैमिली से है ना, और इसका एजेंट अगर देखें तो इसके एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो जिसका एजेंट है मेनली जो है वो आरएनए वायरस ही है जो कि जीनस रूबेला वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है रिजर्वायर, इसका रिजर्वायर कौन कौन हो सकते हैं, तो रिजर्वायर जो है इसका मेनली रिजर्वायर जो होते हैं वो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन विंग जो होते हैं इनकी मेनली रिजर्वायर है। नेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शंस, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शंस जो है वो मतलब कि जो सलाइवा सीक्रेट होते हैं, मतलब कि जो सलाइवा से जो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं उसके द्वारा ही क्या होते हैं ये फैलते हैं। मेनली जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में इंटर करते हैं। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मम्स को होस्ट करते हैं, तो फर्स्टली जो है वो एज, एज में जो 5 to 9 years के जो बच्चे हैं, जो प्री जो स्कूलर बच्चे हैं ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और सेक्स की बात करें तो ये किसी भी सेक्स को, चाहे मतलब किसी भी सेक्स को ये इफेक्ट कर सकता है, इक्वली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को मतलब कि एक बार ये होने के बाद इम्यूनिटी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग जो है बनी रहती है। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है मतलब कि ज़्यादातर ये विंटर सीजन में होते हैं, विंटर टाइम पे ही ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो मम्स वायरस हैं, जो आरएनए वायरस है, विंटर सीजन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट मूड ऑफ ट्रांसमिशन, मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मूड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ही है, मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर रहते हैं तो उस कंडीशंस में जो मम्स है, जो आरएनए वायरस है, ये बॉडी के अंडर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में इंटर कर पाता है। नेक्स्ट है कि इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 weeks है, लेकिन जो यूजुअली जो है 18 days तक मान के चला गया है कि जो इनका इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 18 दिन तक होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं मम्स के वायरस से, जो बॉडी पे जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो लक्षण दिखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा मतलब जो फीवर है वो मतलब कि 100 से 140 degrees Celsius, 104 degrees Fahrenheit भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडक होगा, मलेस की कंडीशंस होगी, और बॉडी एचएस होगा, मतलब कि हेडक के साथ साथ घबराहट भी होगा और मतलब कि बॉडी में बॉडी पेन भी होगा। नेक्स्ट स्वेलिंग ऑन द बोथ पैरोटिड ग्लैंड, मतलब कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो सैलेवरी ग्लैंड है, उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग एंड ईयर एचएस, माउथ मुंह खोलने में, और मुंह को जब माउथ ओपन करेंगे तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, पेनफुल होगा, और ईयर के जो ईयर है उसमें भी पेन की कंडीशंस बनी रहेगी। नेक्स्ट जो ल्यूकोसाइट्स है उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ल्यूकोसाइट्स के नंबर तभी इंक्रीज होते हैं जब बॉडी में इन्फेक्शंस जो है वो इंटर करता है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, लिम्फोसाइट जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मम्स अगर होता है तो मम्स के कंडीशंस में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ओटाइटिस हो सकता है, मतलब ओटाइटिस की जो इन्फ्लामेशंस ऑफ टेस्टिस है ऐसी कंडीशंस हो सकती है अगर मम्स वायरस बॉडी में एंटर करता है तो। उसके बाद ऑर्फोराइटिस और मास्टाइटिस की कंडीशंस होगी, ऑर्फोराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट की कंडीशंस भी हो सकती है। नेक्स्ट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशंस बनी रहेगी, मतलब कि जो पेनक्रियाज है उसमें भी इन्फ्लामेशंस देखने को मिल सकता है। डेफनेस की कंडीशंस होगी, मतलब डेफनेस बना रहेगा, है ना। और नेक्स्ट क्या है, पायरेथ्राइटिस, मतलब इसमें क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, लेकिन जो मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब 5 bones को बोल सकते हैं,
5 बोन ज्वाइंट पेन हो सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशंस बनी रहेगी, मतलब कि जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड का अकुमुलेशंस होगा, तो हाइड्रोसिफेलस की कंडीशंस भी हो सकती है। प्रिवेंशंस में अगर देखें तो प्रिवेंशंस में मेनली जो है वो इम्यूनाइजेशंस है कि जो बच्चा है उसको इम्यूनाइज करके रखना है ताकि जो मम्स है वो ना हो, मम्स वायरस जो है वो बच्चे को इन्फेक्ट ना कर पाए। उसके साथ साथ उसको कंट्रोल करने के लिए पर्सन को आइसोलेट करके रख सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शंस है वो मतलब ना फैले। उसके साथ साथ जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है उसको स्टराइल करके रखना है, उसे मदर को या फिर जो भी घर में है उसको हेल्थ एजुकेशंस देना है, वायरस के बारे में बताना है और इसे इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शंस है उसे बढ़ने से रोकना है। उसके साथ ही साथ वो जितना भी उनका जो लिनन है उसको भी अच्छे से स्टराइल करके उनको देना है। तो आज हमने बात की मम्स के बारे में। तो मम्स जो है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि आरएनए वायरस के थ्रू फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 3 weeks या फिर 18 days मान के चला गया है कि इतना दिन इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें जो इसका साइन एंड सिम्टम्स है मेनली जो है वो फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, उसके साथ ही साथ अदर जो सिम्टम्स हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो आज हमने मम्स के बारे में बात की। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।